प्रिय छात्रों, इस पाठ का आज आप तीसरा वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले इस पाठ के दो वीडियो जो है प्रस्तुत हो चुके हैं। आज तीसरा वीडियो आप लोगों के समक्ष है, तो आज देखें आप शेष भाग। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। भरत की माता कैकेयी पंचवटी की सभा में श्री रामचंद्र जी के समक्ष कहती हैं कि हे राम, आज तक इस संसार के लोग यही कहा करते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो, किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र भले ही अनगिनत गलतियां कर जाए माता के साथ, किंतु माता उसके साथ एक भी गलती नहीं कर सकती। उसके प्रति अपने वात्सल्य को निरंतर लुटाती रहती है, क्योंकि माता का हृदय अत्यंत उदार होता है और वह अपने पुत्र के प्रति संपूर्ण वात्सल्य को रख देना चाहती है, संपूर्ण वात्सल्य को प्रस्तुत कर देना चाहती है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। किंतु आज तो इस संसार ने देख लिया कि मेरा पुत्र मेरे साथ किसी भी प्रकार की गलती नहीं किया आज तक, किंतु माता होकर के मैंने अपने पुत्र का बहुत बड़ा अहित किया है। इतना बड़ा अहित किया जिसका वर्णन करना मेरी क्षमता से परे है। इसलिए आज से यह संसार यही कहेगा कि माता कुमाता हो सकती है, किंतु पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र को केवल बाहर से ही देखा, इसके हृदय के बारे में मैंने थोड़ा भी विचार नहीं किया कि इसका हृदय कितना कोमल है और कितना दृढ़ है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह व्याधा। कैकेयी कहती हैं कि मैंने तुम्हारे वनवास को लेकर के थोड़ा भी परमार्थ के बारे में विचार नहीं किया, स्वार्थ में मैं अंधी हो गई और उसी स्वार्थ में अंधी हो जाने के कारण आज मेरे समक्ष इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न है, इतनी बड़ी रुकावट खड़ी है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। आज से मैं इस संसार को यह अनुमति दे रही हूँ, इस संसार के सामने अपने विचार को व्यक्त कर दे रही हूँ कि यह संसार युगों युगों तक यही कथा कहता रहे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी थी, जिसने पूरी अयोध्या की बर्बादी कर दिया, अपने स्वार्थ में अंधी होकर उसने अपने पति को भी खो दिया और अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा,
धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मैं यह भी कह दे रही हूं कि यह मेरी जीवात्मा जब जब जन्म ले तब तब उसे यही सुनने को मिले कि ऐसी जीवात्मा को धिक्कार है जो स्वार्थ में अंधी हो गई, उसने थोड़ी भी परमार्थ की परवाह नहीं किया। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। यह वचन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कैकेयी के समक्ष कहते हैं कि हे माता, आप ऐसा ना कहें, आप भरत की माँ होने के वजह से एक बार नहीं सौ बार धन्य है। आपका जीवन एक बार नहीं सौ बार धन्य है, क्योंकि आपने भरत जैसे पुत्र को पैदा किया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। सभा के लोग जब भगवान श्री राम के मुख से ऐसे वचन को सुनते हैं तो वो पागल के समान ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भरत जैसे पुत्र की माता एक बार नहीं सौ बार धन्य है, उनका जीवन सैकड़ों बार धन्य है। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। हे राम, जिस भरत की तू इतनी सराहना कर रहे हो, इतनी प्रशंसा कर रहे हो, आज इतने विशिष्ट गुणों वाले भरत को भी मैंने गंवा दिया है, मैंने खो दिया है, और इतना बड़ा अपयश मैंने अपने माथे पर लगा लिया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। जिस पुत्र के लिए मैंने अपने स्वर्ग के समान सुख को ही निछावर कर दिया था, तथा तुमसे तुम्हारे अधिकार को छीन लिया था, पर वही आज यह दीन हुआ होता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। आज वही पुत्र यहाँ दीनहीन होकर के तुम्हारे समक्ष आंसू बहा रहा है, और जिस तरह से एक शिकारी से भयभीत हिरण कांपता रहता है, ठीक उसी तरह से मेरा पुत्र भरत भी कांप रहा है, और उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। जो तन कभी अत्यंत शीतल रहा, आज वही तन आग के समान जल रहा है, वही शरीर आग के समान जल रही है, फिर इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा कठोर दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। माता कैकेयी कह रही है भरत के समक्ष कि मैं ऐसी मोह के वशीभूत हो गई कि अपने हाथ और पैर को मोह रूपी नदी में डुबो दी। मैंने वैसा ही काम किया जैसा कोई व्यक्ति स्वप्न में करता है, अथवा पागल हो जाने पर या घमंड से चूर हो जाने पर करता है। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। अब तो इस संसार का कोई भी दंड मेरे लिए बड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने जितना बड़ा अपराध किया है
उसके लिए आज तक उतना कठोर दंड इस संसार में कोई बना ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि आज मेरे मन में दया की भावना उत्पन्न भी हो गई हो तो भी मैं उस दंड से बचने के लायक नहीं हूँ। हर कीमत पर मेरे लिए वह दंड आवश्यक है। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुड़ा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। हा दया हंत हंत वह घृणा, अह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुड़ा। कैकेयी कहती हैं कि अब मेरे ऊपर यह दुनिया किस बात पर दया दर्शाएगी। आज तो मैं केवल इस संसार की नजर में घृणा की ही पात्र हूं, मैं अब दया की पात्र नहीं रह गई हूं। मेरे लिए गंगा और यमुना भी बैतरणी के समान हो गई है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। उत्तम विचार वाले सभी लोगों से मैं कहती हूँ कि वे मेरी बातों को सुन लें, कि मैं चिरकाल तक बहुत अधिक समय तक नरक भोग सकती हूँ, नरक का दुख झेल सकती हूँ, किंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए दंड से भी भारी पड़ेगी, दंड से भी अधिक दुखदायी महसूस होगी। लेकिन अपना यह पुलिस कठोर कलेजा मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। मैंने अपने दिल को पत्थर जैसा कठोर बना लिया था और उस दिल को कठोर बना लेने के वजह से ही मैंने तुम्हें जंगल भेज दिया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यों, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे राम, मैं तुमसे बार बार निवेदन करती हूँ, बार बार प्रार्थना करती हूँ कि अब तुम उस पर और अधिक क्रोध न दर्शाओ, अब तुम मुझसे और अधिक नाराज मत हो, मेरे सारे अपराधों को भूल करके तुम घर को लौट चलो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यदि मैं इस सभा के समक्ष अपनी कुछ और भी बातें प्रस्तुत करती हूँ तो उसे आखिर ये लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है क्योंकि मेरा पुत्र है, और इसे तुम प्यारे और तुम भरत के प्रिय हो। भरत तुमसे अपार स्नेह करता है, इसलिए मेरे नजर में तू मेरे दो गुने प्रिय हो गए, अतः अब मुझसे दूर रहने को ना सोचो, मुझसे अलग रहने को मत सोचो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम, मैंने भरत को जन्म तो दिया, भले ही इसे नहीं जान पाई, किंतु तुम तो इसे भली भांति जानते हो, और तुम सबसे ज्यादा भरत को ही मानते भी हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। माता कहती हैं कैकेयी कि हे राम, तुम दोनों भाइयों के बीच जैसा प्रगाढ़ प्रेम है, इस प्रेम का उदाहरण
यह संसार युगों युगों तक देता रहेगा, इस प्रेम का उदाहरण इस दुनिया से कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा। जैसा प्रेम आज सबके समक्ष प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कह के ही कहती हैं कि मैं मानती हूं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं बहुत बड़ी दोषी हूं, किंतु आज वह सारा पाप और सारा दोष पुण्य और संतोष में बदल चुका है, क्योंकि मैं भले ही कीचड़ रही किंतु उस कीचड़ से उत्पन्न होने वाला मेरा पुत्र भरत कमल के समान मनमोहक है, सभी गुणों से संपन्न है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, यहां जितने ज्ञानी जन उपस्थित हैं वे अपने मस्तक को अपने ललाट को ऊंचा करके तुम्हें समझाने की कोशिश करें, प्रत्येक विधि से प्रत्येक तौर तरीके से तुम्हें यह समझाने की कोशिश करें कि मैंने भले ही आज तक अनगिनत अपराध कर दिया है, अनगिनत गलतियां कर दिया है, किंतु तुम्हारा आज यही कर्तव्य बनता है कि तू मेरी सारी गलतियों को भूल जाओ और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके अयोध्या लौट चलो। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। माता कहती हैं कि हे राम, मेरे पास तो सिर्फ एक अधीर हृदय ही है, आज वह बेचैन हृदय, वह धैर्यहीन हृदय तुमको अपनी भुजाओं में समेटने के लिए बेचैन है, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, तुमसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि तुम मेरी भुजाओं में आ जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ और मेरी बात को मान करके अयोध्या लौट चलो। तो प्रिय छात्रों, आज कैकेयी का अनुताप शीर्षक यही समाप्त होता है।